हमें लगता था कि ऋतिक रोशन एक पहुंचे हुए एक्टर हैं, वो स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म होगी हिट या फ्लॉप बता सकते हैं। लेकिन दूसरे एक्टर्स की तरह उन्होंने भी कई सारी ऐसी फिल्में कर दी रिजेक्ट जो आगे जाकर बन गई ब्लॉकबस्टर। पहली फिल्म थी शुद्धि, करण जौहर की फिल्म शुद्धि में से सडनली आउट हो गए ऋतिक रोशन और रीजन बताया जा रहा था इल हेल्थ का, लेकिन बाद में पता चला कि प्रॉफिट शेयरिंग से खुश नहीं थे ऋतिक। दूसरी फिल्म थी दिल चाहता है, फरहान अख्तर ने ओरिजिनली फिल्म लिखी थी ऋतिक रोशन को एज सिद्धार्थ ध्यान में रखकर, लेकिन ऋतिक इस रोल के लिए नहीं माने, फिर ये रोल गया अभिषेक बच्चन के पास, उन्होंने भी इस रोल को ठुकरा दिया और ये रोल फाइनली गया आमिर खान के पास, और आमिर खान के एक्सेप्ट करते ही फरहान ने आमिर खान और अक्षय के रोल को कर दिया इंटरचेंज। तीसरी मूवी है बंटी और बबली। ऋतिक को बंटी का रोल हुआ था ऑफर, पर वो अपनी प्रीवियस रिलीज से थे काफी दुखी और इसलिए इस मूवी को भी ऑप्ट करने का उनका मूड नहीं था, फिर ये रोल गया अभिषेक बच्चन के पास एंड द रेस्ट वी नो। चौथी मूवी थी रंग दे बसंती। कुछ भी हो ऋतिक को ये फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी, पर ईगो क्लैश का कुछ नहीं हो सकता इस इंडस्ट्री में। रीजन ये था कि ऋतिक करना चाहते थे डीजे का रोल, पर वो ऑलरेडी आमिर खान को असाइन हो चुका था और दूसरे कैरेक्टर्स उन्हें नहीं प्ले करने थे, सो ही बैग्ड आउट। फिल्म है स्वदेश। आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर से पहले ऋतिक को ऑफर हुआ था स्वदेश के मोहन भार्गवा का रोल, जिसके लिए SRK को कई सारे परफॉर्मेंसेस अवार्ड भी मिले। मूवी नंबर 6 मैं हूं ना। ऋतिक को मिला था शाहरुख खान के भाई लक्ष्मण का रोल, पर उनको इस कैरेक्टर में डेप्थ नहीं लगी, सो ही टर्न डाउन। अगेन ऑल दीज फिल्म्स बिकेम ब्लॉकबस्टर्स एंड वी फील सॉरी फॉर ऋतिक। ऋतिक अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।